हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सौरमंडल के 8वें ग्रह और सौरमंडल के 4थे सबसे बड़े ग्रह नेपच्यून के बारे में। दोस्तों, नेपच्यून ग्रह का मास हमारी पृथ्वी के मुकाबले 17 गुना ज्यादा है और इसका नीला रंग होने की वजह से इसका नाम नेपच्यून रोम के समंदर के देवता के नाम पर रखा गया है। नेपच्यून एक ऐसा ग्रह है जिसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर खोजा गया है, क्योंकि नेपच्यून ग्रह इतना ज्यादा दूरी पर होने की वजह से इसे टेलीस्कोप से देखकर अंदाजा लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और दोस्तों, ऐसी ही मजेदार बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नेपच्यून को किसने खोजा था। यूरेनस ग्रह के खोजे जाने के 50 साल बाद सन 1846 को नेपच्यून की खोज फ्रेंच गणितज्ञ उर्बेन ले वेरियर और जर्मन एस्ट्रोनॉमर जोहान गॉटफ्रेड गैले के द्वारा की गई थी। हालांकि इससे पहले गैलीलियो ने अपने बनाए सौरमंडल के चित्र में नेपच्यून की जगह पर एक तारे का जिक्र किया था, लेकिन तब उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं चला था। दोस्तों, सूरज से नेपच्यून की दूरी 4.5 बिलियन किलोमीटर इतनी है। दोस्तों, नेपच्यून पृथ्वी से इतना दूर है कि आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि सूरज से धरती के बीच जितना अंतर है उससे 30 गुना ज्यादा दूरी पर नेपच्यून मौजूद है। यानी कि आपको धरती से नेपच्यून ग्रह तक पहुंचने के लिए सूरज से धरती के बीच जितनी दूरी है उस दूरी को 30 बार पार करना होगा और तब जाकर आप यूरेनस तक पहुंच पाओगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिनों का समय लगता है, और वही अगर हम बात करें नेपच्यून की तो नेपच्यून ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 सालों का समय लग जाता है। अगर हम नेपच्यून की कॉम्पोजिशन की बात करें तो नेपच्यून ग्रह की सतह पानी, मीथेन और अमोनिया जैसे तरल पदार्थों से बनी है और अंदर का कॉम्पोजिशन सिर्फ पत्थर का बना है। नेपच्यून ग्रह की ऊपरी सतह मीथेन गैस जैसे पदार्थों से बने होने की वजह से नेपच्यून ग्रह का रंग हल्का सा नीला नजर आता है, क्योंकि मीथेन गैस लाल रंग को एब्जॉर्ब कर लेती है और नेपच्यून ग्रह के ऊपर स्थित वातावरण में एक हल्का नीले रंग का बादल बना देती है। दोस्तों, नेपच्यून ग्रह का वॉल्यूम, जिसे हिंदी में आयतन भी कहा जाता है, 630,000 करोड़ किलोमीटर क्यूब है और नेपच्यून का मास हमारी पृथ्वी से 17 गुना ज्यादा है। नेपच्यून गैस से बना होने की वजह से इस पर अंतरिक्ष यानों का उतरना नामुमकिन है। नेपच्यून की जलवायु में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा जाता है। नेपच्यून हमेशा अपने भयानक और खतरनाक आंधियों की वजह से और तूफानों की वजह से अस्थिर रहता है। 1999 में नेपच्यून ग्रह पर एक बहुत ही खतरनाक और बड़ी आंधी आई थी और उस आंधी का नाम द ग्रेट डार्क स्पॉट रखा गया था। और ये कोई मामूली आंधी नहीं थी, इस आंधी का आकार हमारी पृथ्वी के जितना था। और इसके कुछ ही सालों बाद नेपच्यून ग्रह पर एक और आंधी आई जो कि हमारी पृथ्वी के चांद के आकार की थी, और उस आंधी का नाम द स्मॉल डार्क स्पॉट रखा गया था। और इन आंधियों की गति करीब 1300 माइल्स प्रति घंटा है और ये आंधियां एक दो दिनों तक नहीं बल्कि कई सालों तक चलती है। सन 1999 को वॉयजर 2 अंतरिक्ष यान से नेपच्यून ग्रह के चारों ओर 6 रिंग्स का पता चल पाया है और नेपच्यून के इन रिंग्स का आकार छोटे छोटे धातुओं के टुकड़े और कार्बन जैसे चीजों से बना है और इन पदार्थों की आयु बहुत ही ज्यादा कम होती है। नेपच्यून की सतह का तापमान -201 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके कारण नेपच्यून को यूरेनस के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। हालांकि नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद जिसे ट्राइटन कहा जाता है वो नेपच्यून से भी ज्यादा ठंडा है और ट्राइटन का तापमान करीब -240 डिग्री सेंटीग्रेड इतना है। दोस्तों, नेपच्यून ग्रह के पास कुल 14 चांद है और इन 14 मून्स में से सबसे बड़ा और गोल ट्राइटन ही है। ऐसा बताया जाता है कि ट्राइटन नेपच्यून के दूसरे चंद्रमाओं के मुकाबले उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है और ट्राइटन चंद्रमा के इस तरह से उल्टे घूमने के कारण कुछ बिलियन सालों के अंदर ट्राइटन चंद्रमा सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़कर एक रिंग के आकार का बन सकता है। दोस्तों, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि हमारे सौरमंडल में जुपिटर ग्रह के बाद नेपच्यून का ही सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। जब नेपच्यून ग्रह को पहली बार ढूंढा गया था तब इसका नाम ले वेरियर रखा गया था, जो कि उसको ढूंढने वाले गणितज्ञ जीन जोसेफ ले वेरियर के नाम पर आधारित था, लेकिन बाद में यह नाम बदलकर रोम के समंदर के देवता नेपच्यून पर रखा गया। वैसे तो ग्रीक में नेपच्यून को
पोसाइडन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे नेपच्यून ग्रह के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।